इससे ये सीखने को मिलता है कि ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, कहीं वो स्मार्टनेस आपको जेल ना पहुंचा दे। एक सुजन नाम की औरत का खुद का क्लीनिंग सर्विस कंपनी था, तो एक दिन उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि आज मैं अपने आसपास का एक रैंडम घर सेलेक्ट करूंगी, वहाँ पे चुपचाप घर की सफाई करके वापस आ जाऊंगे। और दोस्तों उसने किया भी यही। सबसे पहले वो उस टाइम पे गई जब घर में कोई नहीं था। उसने घर की खिड़की तोड़ी, अंदर घुस गई और साफ सफाई करना चालू कर दिया। सुजन ने सारे बर्तन धोए, फर्श को वैक्यूम क्लीनर से साफ किया और डस्टबिन का कचरा भी बाहर रख दिया। और जाते जाते एक टिश्यू पेपर पे लिख दिया कि आपको मुझे $75 देने, मैंने आपका पूरा घर साफ किया है और मेरा नाम सुजन है और ये रहा मेरा नंबर। लेकिन दोस्तों जब घर की ओनर वापस आई तो उसने वो नोट पढ़ के उसे कॉल किया और कहा कि शायद आप गलत घर में घुस गए थे, हमने कोई मेड हायर नहीं किया है। तो सुजन ने कहा मैं गलत घर में नहीं घुसी थी, मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। शायद घर की ओनर को ये मजाक पसंद नहीं आया और वो पुलिस स्टेशन चली गई। सुजन पे क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस लग गया और इवन तो उसने कोई चोरी भी नहीं की थी, सुजन को 1 साल की जेल हो गई। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है कि बेचारी को उसके $75 मिले कि नहीं।